कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम अमृत महोत्सव है हमारे पाकिट के लिए, सभी देशवासियों के लिए, भाई बहनों के लिए। इस पर्व पे हम सब बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल करके इस पर्व को मनाएं और हमारे साथ जुड़ें, आएं और सबका साथ दें। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम के बारे में, आज हम अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं और ये त्यौहार हमारे किसी एक का नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष का, पूरे सब देशवासियों का त्यौहार है और हम चाहते हैं कि सब लोग इसे मिलजुल के खूब हंसी खुशी के साथ मनाएं। नाम कमलेश चक्रवर्ती। हाँ, कोई प्लास्टर है फिर भी बाहर क्यों है? जज्बा है, जनून है, भारत देशभक्ति है, अपने देश के प्रति प्यार है। डॉक्टर ने कहा कि आपको रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए तो हाथ का हाथ मेरा है वो बंदा, लेकिन देशभक्ति सामने आ गई ना, हाथ मेरा बंदा हुआ है, लेकिन मैंने तो अपने पैरों से चलना ना, हाथ से तो चलना नहीं है, तो मुझे जनून खुशी है, मैं आपने इनके साथ अभी शामिल होना चाहती थी। मातरम, आज जो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो अपना तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा में यात्रा में निकाली जा रही है, ये सही में सराहनीय कदम है, देश में देशभक्ति को जागृत करने वाला कदम है और हर देश के नागरिक को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और देश के प्रति देशभक्ति का प्रतीक मानते हुए हर व्यक्ति को कसम खानी चाहिए कि आने वाले देश में किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए देशभक्ति सर्वोत्तम है। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अक्षरधाम अपार्टमेंट की स्थानीय निवासी हूँ। गुप्ता जी, आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के विषय में विस्तार से बताएं। आज का कार्यक्रम है हमारे देश का सबसे पावन त्यौहार जो 13 तारीख अगस्त से शुरू हो गया और 15 तक चलेगा, त्यौहारों का त्यौहार, हमारे तिरंगे का त्यौहार। हम मना रहे हैं आज़ादी का महोत्सव। ये बड़ी खुशी की बात है कि अक्षरधाम अपार्टमेंट के साथ साथ की सभी सोसाइटियों के लोगों ने यहाँ पे भाग लिया। आज मेरे साथ कुछ बहनें भी हैं जो हमेशा ढोलक और मंजीरों पे भक्ति के संगीत गाती थी, लेकिन उन्होंने आज कहा कि इस तिरंगे और इस देश से बड़ी भक्ति कुछ नहीं है। आज ढोलक और मंजीरों के साथ शहीदों की याद में गीत गाए जाएंगे और देशभक्ति के गीत गाए जाएंगे। मट्टू जी, जब बचपन में आप स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते थे और आज जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना डिफरेंस दिख रहा है? बचपन में जब हम करते थे तो इतनी संजीदगी शायद नहीं थी। ज़्यादातर हम लोग स्वतंत्रता दिवस के में, मुझे याद है कि हम लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं और आज भी ये चलन है, लेकिन इस बार हमारी सबसे बड़ी पिकनिक और सबसे बड़ा त्यौहार हम अपने पॉकेट में फैलाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे कि नहीं, इस तिरंगे की शान कभी नीची ना हो, ये आसमानों से आसमानों तक इस तिरंगे की शान रहे।